खालसा ही शान के प्रतीक राष्ट्रीय मेला होला मोहल्ला का पहला पड़ाव श्री कीर्तपुर साहिब के श्री गुरुद्वारा पतालपुर साहिब में गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी अखंड पाठ साहिब जी के भोग के साथ समाप्त हो गया है और मेला अपने अगले पड़ाव श्री आनंदपुर साहिब के लिए रवाना हो गया। श्री अखंड पाठ साहिब की समाप्ति की अरदास तख्त श्री केसगढ़ साहिब के हेड ग्रंथिक ज्ञानी फुला सिंह ने की। इस मौके उपरांत हुक्मनामा तख्त श्री केसगढ़ साहिब के जथेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह ने लिया। उन्होंने संगतों को संबोधित करते हुए कहा कि दसवें पिता साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना करके समाज में फैले अंधेरे को दूर किया और होली को धीमे मोहल्ले का नया रूप देकर सिख पंथ में न्यारेपन की मिसाल पैदा की और खालसा फौज को जंगी खेल के साथ जोड़ा। उन्होंने अपने प्यारे खालसे होले मोहल्ले के त्यौहार की बख्शिश की है और सदियों को लैके समुचा खालसा पंथ तख्त श्री केसगढ़ साहब जी विखे कीरतपुर साहब विखे जोड़ मिल करके खालसे का एक पावन त्यौहार बहुत ही चढ़ती कला में एकजुट हो के एकाग्रता के नाल बड़ी खुशी के नाल बड़े चाव नाल मनाया आ रहा है और इस बार भी खालसे का एक कौमी त्यौहार पावन त्यौहार 10 मार्च में तख्त श्री केसगढ़ साहब जी विखे बहुत ही जो होले मोहल्ले के समागमों की आरंभता गुरुद्वारा पतालपुरी साहब जी तो अखंड पाठ साहब आरंभ करके की गई सी अज श्री अखंड पाठ साहब की संपूर्णता हुई है और कल सवेर तो तख्त श्री केसगढ़ साहब जी विखे संगत ने बहीर कत के पुजना है और उत्थे अखंड पाठ साहब की आरंभता के नाल गुरमत दीवाना की आरंभता कर दी जाएगी। होले मोहल्ले का जो मेन त्यौहार है जिस दिन होला मोहल्ला उत्थों आरंभ किया जाना वह है 10 मार्च दोपहर 12 बजे तख्त श्री केसगढ़ साहब तो 5 प्यारे साहबान की अगवाई में मोहल्ले की आरंभता की जानी है। समुचे खालसा पंथ को बेनती है कि बढ़ चढ़ के इन पावन त्यौहारों के हाजरियाँ भर के गुरु गुरु की खुशियां पात्र बन का आप सारे यत्न करिए। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू है। लेकिन अपने गुरु के चरणों पर विश्वास करके गुरु के चरणों पर भरोसा करके गुरसिखा वध चढ़ के इन पावन त्यौहारों में शामिल करनी चाहिए है क्योंकि गुरु की पावन बाणी का वचन है कि समुद्र सागर होवे बहुत खारा गुरसिख लंघ गुरु पै जाई गुरु का सिख अपने गुरु के दर्शन करने वास्ते पग के समुद्र में ही पार हो सकता है। और समुचे खालसा पंथ में बेनती है कि बढ़ चढ़ के इन समागम में पहुँचो अपने गुरु के चरणों पर विश्वास करके भरोसा करके अरदास बेनती करके अपने घर को चलो। हाँ ये एहतियात वरतण की बहुत जरूरत है अपने आसे पास सफाई रखने की जरूरत है अपने हाथ है लेकिन अपने गुरु के चरणों पर विश्वास करके गुरु के चरणों पर भरोसा करके गुरसिखा वध चढ़ के इन पावन त्यौहारों में शामिल करनी चाहिए है क्योंकि गुरु की पावन बाणी का वचन है कि समुद्र सागर होवे बहुत खारा गुरसिख लंघ गुरु पै जाई गुरु का सिख अपने गुरु के दर्शन करने वास्ते पग के समुद्र में ही पार हो सकता है। और समुचे खालसा पंथ में बेनती है कि बढ़ चढ़ के इन समागम में पहुँचो अपने गुरु के चरणों पर विश्वास करके भरोसा करके अरदास बेनती करके अपने घर को चलो। हाँ ये एहतियात वरतण की बहुत जरूरत है अपने आसे पास सफाई रखने की जरूरत है अपने